नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का आकलन वर्कशीट नंबर 7 है, जो कि सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा और यह 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। ये दो सेक्शन में आपका क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो आपके MCQ है और 10 क्वेश्चन आपके केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, और जो कि बहुवैकल्पिक है, तो वो भी 10 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एक्स पदार्थ से बना एक बिलियन सफेदी करने के लिए उपयोग होती है, तो यह एक्स पदार्थ क्या होता है? तो यह एक्स पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, यानी सफेदी करने के लिए जो उपयोग होने वाले जो पदार्थ है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कहते हैं कैल्शियम, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया में होने वाले अपचयित तथा उपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो इसमें अपचयित डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से जो है ना यहाँ हट रहा है, यानी हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, और उपचयित यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन नंबर ए है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट में ए है और सेकेंड में भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब किसी चलती हुई बस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल प्रचलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जिससे इंजन के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही पे चिन्ह लगाना है। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये अभिक्रिया में ऑक्सीजन तथा डीजल अभिकारक हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संचारण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो संचारण एक प्रक्रिया है जिसमें वायु होता है और नमी होता है, तो यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो थर्ड का आपका एक बार फिर से बता देता हूं, सी ऑप्शन है और फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मैग्नीशियम वायु में एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला के साथ ज्वलित होता है, यह एक ठोस श्वेत पदार्थ के बनने के कारण होता है, यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक बिलियन बनता है, तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये आपको बताना है, तो इस प्रक्रिया में संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रक्रिया में जो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। अब केस स्टडी है, तो चलिए इस केस स्टडी सेकेंड पोर्शन का चलिए। सन 1990 में सोरेन्स ने एक पीएच स्केल तैयार किया, यानी किसने तैयार किया पीएच स्केल? सोरेन्स ने, सोरेन्सन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी अम्लीय तथा क्षारीय बिलियन की प्रति प्रबलता को दर्शाया गया है। सोरेन्सन ने अम्लीय तथा क्षारीय बिलियन की हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच स्केल पर 0 से 14 तक लिया है। आप सभी को पता ये पीएच स्केल था ऐसे इनका, ठीक है, और ये 0 से 14 तक लिया, ठीक है, इसी तरह पीएच स्केल लिया, ठीक है, और 14 तक लिया, साथ साथ जोरा, और हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि कृषि में फसल मुख्य रूप से उदासीन या दुर्बल अम्लीय मृदा, यानी पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 में उगाई जाती है। जब हमारे मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है, तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है, यानी पीएच मान जो है ना हमारे दांतों का कम हो जाता है, यानी 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारा दांत जो है ना गिरने लगते हैं, ठीक है। मधुमक्खी भी काटते समय शरीर में अम्लीय पदार्थ छोड़ देता है जिसमें दर्द तथा सूजन हो जाता है, अम्लीय पदार्थ एसिड छोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसानों द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका बी हो जाएगा, चूना, ठीक है, यानी क्या हो जाता, चूना या, और वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब इसका पीएच मान क्या होता है, वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाएगा, जब इसका पीएच मान होगा 5.6 से कम होगा तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है 6 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, और 7 का ऑप्शन नंबर सी है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है और 10 है, राइट डियर स्टूडेंट। अब उपाचय की स्थिति में अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो दर्द तथा जलन उत्पन्न करता है?
तो इसकी स्थिति में डियर स्टूडेंट जो उत्पन्न होने वाला जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 8th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो मधुमक्खी के काटने पर उसमें जो लाए जाने वाले अम्ल है वो होता है बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। जब भी आपको मधुमक्खी काट ले तो बेकिंग सोडा है उसको आप उस पर रगड़ लीजिए, ठीक है, तो आपका आसानी से उसमें एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है और आप आसानी से अच्छा लगेगा आपको, फिर सही हो जाएंगे आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अमाशय में अति अम्लीयता यानी अपाचन को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा एंटासीड हो जाएगा, ठीक है, क्या है? एंटासीड है। तो 8th का ऑप्शन नंबर ए है, 9th का ऑप्शन नंबर सी है और 10th का ऑप्शन नंबर डी है, राइट। तो डियर स्टूडेंट लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।